चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है बेसिसिटी ऑफ अमाइन। और बेसिसिटी ऑफ अमाइन करने से पहले पी ब्लॉक बेसिक में एक वीडियो है जो कि एसिडिटी और बेसिसिटी है, तो बेसिसिटी को आपको देखना थोड़ा सा जरूरी है। रीजन है कि वहाँ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो कहानी आपकी यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा। तो बेसिसिटी के लिए वहाँ पर जो आपको समझाया गया है वो ये बताया गया है कि एक आरएनएस कॉन्सेप्ट है, जो OH नेगेटिव देगा वो बेस है। सेकेंड आपका ब्रॉन्स्टेन लोरी कॉन्सेप्ट था कि जो एच प्लस पकड़ेगा वो बेस है, तो यहाँ ब्रॉन्स्टेन लोरी कॉन्सेप्ट लगेगा। और थर्ड वन जो है, जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल होगा फॉर डोनेशन, वो बेस है। तो लोन पेयर क्या है, अनशेयर्ड पेयर क्या है, ठीक है जी, लोन पेयर क्यों होना चाहिए, ये सब कुछ पार्ट पी ब्लॉक बेसिक के अंदर है, बेसिसिटी वीडियो के अंदर। तो वो मैं यहाँ पर अब डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ मैं डायरेक्ट काम करूँगा। चलिए, बेसिसिटी के लिए मैं बता देता हूँ। अगर मुझे ये पता करना है स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी कि कौन सा बेस स्ट्रांग है कौन सा बेस वीक है, तो मेरे पास उसके लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, ध्यान समझें। सपोज कीजिए मैंने एक ए लोन पेयर बनाया, ठीक, और यहाँ पर मैंने एच प्लस रख दिया। फिर मैंने यहाँ पर एक बी लोन पेयर बनाया और उसके सामने मैंने एच प्लस रख दिया। रखने के बाद अब दो चीज़ें मेरे पास है। मान लीजिए इस लोन पेयर ने इस एच प्लस को पकड़ा पाँच सेकेंड में पकड़ा, और इसी तरह से इस लोन पेयर ने इस एच प्लस को पकड़ा 5 मिनट में। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं रिएक्टेंट फोकस करके देखा जाता है कि कौन एच प्लस जल्दी पकड़ेगा। देखो, बेसिसिटी ऑर्डर दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, पहला है रिएक्टेंट फोकस करके, दूसरा है प्रोडक्ट फोकस करके। रिएक्टेंट फोकस करके सिंपल सी बात इतनी देखी जाती है कि कौन एच प्लस को जल्दी पकड़ेगा, कौन एच प्लस को जल्दी पकड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ ये एच प्लस को जल्दी पकड़ रहा है इसके मुकाबले, तो इसका मतलब है ए इज स्ट्रॉन्गर बेस देन बी। ठीक है, ये जो मैंने बात बताई है आपको, ये रिएक्टेंट फोकस करके बताई है, ठीक। अच्छा, अब जो मैं बात करूंगा वो प्रोडक्ट फोकस करके बात करूंगा। मान लीजिए इसने यहाँ पर एच प्लस को पकड़ा, जैसे ही इसने एच प्लस को पकड़ा तो ये ए एच पॉजिटिव हो गया और ये हो गया बी एच पॉजिटिव हो गया। अब आपके सामने यहाँ पर है, अब यहाँ पर कुछ और देखना होता है। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, उसे ध्यान देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए मैं आपके सामने कहता हूँ कि इसने बैकवर्ड रिएक्शन करी मान लीजिए 5 मिनट में, और इसने बैकवर्ड रिएक्शन करी मान लीजिए मैं कहता हूँ 5 सेकेंड में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये बेस है, ये जो बेस है जिसको हम बेस बोलेंगे, और एच प्लस पकड़ने के बाद जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम होता है कॉन्जुगेटेड एसिड। इस तरह से ये बेस था और इसके बाद एच प्लस पकड़ने के बाद जो कंपाउंड बना इसका नाम है कॉन्जुगेटेड एसिड। तो अब यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट फोकस करके तो सिंपल सीधी बात थी, जो एच प्लस को जितनी जल्दी पकड़ेगा वो उतना अच्छा बेस होगा, ठीक है जी। रिएक्टेंट फोकस करके मैंने आपको समझा दिया। प्रोडक्ट फोकस करके हम लोग ये देखेंगे कि ये एच प्लस को जितनी ज़्यादा देर तक पकड़ेगा। मान लीजिए इसने बैकवर्ड रिएक्शन 5 मिनट में करी और इसने बैकवर्ड रिएक्शन 5 सेकेंड में करी, तो प्रोडक्ट फोकस करके हम लोग कैसे पता करेंगे कौन स्ट्रांग बेस है। तो प्रोडक्ट फोकस करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोडक्ट फोकस करके हम लोग ये देखेंगे कि कौन एच प्लस को ज़्यादा देर तक अपने पास रखेगा। इसने एच प्लस पकड़ा 5 मिनट बाद ये बैकवर्ड गया, इसने एच प्लस पकड़ा 5 सेकंड बाद ये बैकवर्ड गया। तो जाहिर सी बात है, ये 5 मिनट तक इसने एच प्लस को पकड़ के रखा, इसने 5 सेकंड तक एच प्लस को पकड़ के रखा, तो इसने ज़्यादा देर तक एच प्लस को पकड़ के रखा, तो ज़्यादा देर तक बेसिसिटी शो करी, तो ये ज़्यादा अच्छा बेस होगा। यानी कि प्रोडक्ट फोकस करके हम लोग क्या करेंगे, जितना ज्यादा, यहां लिख देता हूं मैं, जितना ज्यादा कॉन्जुगेटेड एसिड स्टेबल होगा, जितना ज्यादा कॉन्जुगेटेड एसिड स्टेबल होगा एच प्लस लेने के बाद जो आयन, जो कंपाउंड बनता है उसे कॉन्जुगेटेड एसिड कहते हैं। जितना ज्यादा कॉन्जुगेटेड एसिड स्टेबल होगा उतनी देर तक एच प्लस को पकड़ कर रखेगा, ठीक है, यानी कि उतनी ज्यादा देर तक बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा, ठीक है जी, शो करेगा, यानी कि उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा,
यानी कि उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। रिएक्टेंट फोकस करेगा तो सिंपल था, जो जितनी जल्दी एस प्लस पकड़ ले वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन प्रोडक्ट को फोकस करके क्या होता है कि इसने एस प्लस पकड़ा 5 मिनट बाद बैकवर्ड करी, इसने एस प्लस पकड़ा 5 सेकंड बाद बैकवर्ड करी। तो इसने 5 मिनट तक एस प्लस को पकड़ के रखा, इसने 5 सेकंड तक रखा, तो इसने ज्यादा देर तक करा, तो इसने ज्यादा देर तक बेसिक स्ट्रेंथ शो करी, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस। तो प्रोडक्ट फोकस करके तो सिंपल सीधी बात है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा देर तक एस प्लस को पकड़ के रखेगा, उतनी ज्यादा देर तक बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा, उतना अच्छा बेस होगा। यानी कि सिंपल सी बात क्या है इस जगह पर बेसिसिटी ऑफ अमाइन पे, मैं सिंपल एक बात बोल रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड। यानी कि एक्सप्रेस पकड़ने के बाद जितना ज्यादा कॉन्जुगेटेड एसिड स्टेबल होगा उतनी देर तक एक्सप्रेस को पकड़ के रखेगा, उतनी ज्यादा देर तक बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा, उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बात क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको रिएक्टेंट फोकस करके, प्रोडक्ट फोकस करके बेसिसिटी का मतलब समझा दिया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइन। तो बेसिसिटी ऑफ अमाइन को हम लोग फोकस करेंगे। तो अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात तो बता देता हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड, ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात, एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ के भी होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ पी के भी होता है। ये चीज़ भी मैंने पी ब्लॉक बेसिक के अंदर समझा दी है, ये वाली चीज़ भी मैंने पी ब्लॉक बेसिक वीडियो के अंदर समझाई थी। आप बाकायदा पी ब्लॉक बेसिक नाम की वीडियो है, वहाँ पर बेसिसिटी लिखा होगा, तो आप देख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली के भी इनवर्सली पी के भी होता है। बात क्लियर? अच्छा, इसके बाद अब आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है, कहानी किस तरीके की है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन करता हूँ पहली, कि एलिफेटिक अमाइंस की हम लोग बात करेंगे। तो एलिफेटिक अमाइंस की अगर हम लोग बात करेंगे, तो मेरी मर्जी है कि मैं रिएक्टेंट फोकस करके बात करूं या प्रोडक्ट फोकस करके बात करूं। तो आप ध्यानपूर्वक समझेंगे कि रिएक्टेंट फोकस करके तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक NH3 लिया, ठीक है जी, यहाँ पर 3H लगा दिए, इस पर एक लोन पेयर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पहले, टाइम बचेगा। चलिए देखिए, अब एलिफेटिक अमाइन जो है उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो दो पार्ट में होती है, एक है गैसियस फेज, एक है एक्वस फेज। तो पहले गैसियस फेज के बारे में हम ध्यान से देखेंगे। तो गैसियस फेज में मैंने NH3 लिया, ये यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, कार्बन से एक चेन जुड़ी हुई है, तो इसको मैं कहूँगा प्राइमरी अमाइन। अच्छा, नाइट्रोजन से कार्बन चेन दो जुड़ी हुई है तो सेकेंडरी अमाइन, या नाइट्रोजन से कार्बन की 3 चेन जुड़ी हुई है तो टर्शियरी अमाइन। तो सिंपल सीधी बात क्या है, नाइट्रोजन से कार्बन की 1 चेन प्राइमरी, 2 चेन सेकेंडरी और 3 चेन टर्शियरी। अब आप ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझेंगे इस जगह पर, भाई ये एच प्लस है, ये एच प्लस है, ये एच प्लस है, एच प्लस है, हमें देखना है कि जो जितनी जल्दी एच प्लस को पकड़ेगा उतना ज्यादा, जो जितनी जल्दी एच प्लस को पकड़ेगा उतना ज्यादा बेसिक होगा रिएक्टेंट फोकस करके। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, भाई प्लस आई ग्रुप है ना, इस जगह पर एक प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 प्लस आई ग्रुप है। अब जरा दिमाग लगाना, इधर 1 प्लस आई है, सपोज करो उसने 20% नेगेटिव दिया, कितने परसेंट नेगेटिव दिया, 20% नेगेटिव दिया। अच्छा, यहाँ पे 2 प्लस आई है, इसने ही 20 दिया, इसने ही 20 दिया, तो इस पर कितने परसेंट नेगेटिव हो गए, एक तरह से इस पर नेगेटिव हो गया 40%। इस ऐसे इसने 20 दिया, इसने 20 दिया, इसने 20 दिया, तीनों ने लिया, तो इस पे कितने परसेंट नेगेटिव आ गया, इस पे आ गया 60% नेगेटिव। अब मुझे बताओ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन ये तीनों कर रहे होंगे या ये दो कर रहे होंगे या एक कर रहे होंगे। तो आपको पता है यहाँ पर बेसिस में प्लस इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन सारे इफेक्ट लगेंगे, ध्यान समझना। यहाँ पर 3 कार्बन चेन है तो इन तीनों का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, यहाँ 2 है तो प्लस आई कम होगा, यहाँ और भी कम होगा, यहाँ प्लस आई है ही नहीं, तो इस पर 20 इसने दिया, 20 इसने दिया, 20 इसने दिया, तो इस पर कितना परसेंट नेगेटिव आया, 60% नेगेटिव आया, 20 20 40 आया, और 20 अकेली कार्बन चेन है तो 20% नेगेटिव आया। बाकायदा इंडक्टिव में बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, यहाँ पर एक कार्बन चेन थी, यहाँ 2 थी तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई बढ़ गया, यहाँ 3 थी तो और बढ़ गया। अच्छा, अब ये जो चार्ज डेवलप करा रहा है, तो इस चार्ज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चार्ज माइनस का 20 है, ये चार्ज माइनस का 40 है, ये चार्ज माइनस का 60 है, और यहाँ कुछ नहीं है, तो इस पर जो चार्ज है वो प्लस है,
और प्लस को नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्शन देगा। तो मुझे बताओ माइनस 60 ज्यादा अट्रैक्शन देगा एच प्लस को या एच प्लस को माइनस 20 ज्यादा अट्रैक्शन देगा। तो जाहिर सी बात है ये अट्रैक्शन ज्यादा देगा तो ये सबसे फास्ट पकड़ेगा, इस एच प्लस को सबसे फास्ट ये पकड़ेगा। यहाँ 40% नेगेटिव और एच प्लस है, यहाँ अट्रैक्शन थोड़ी कम है थोड़ा लेट पकड़ेगा। ये 20% नेगेटिव है तो थोड़ा और लेट पकड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो थोड़ा और लेट पकड़ेगा। तो यानी कि साफ साफ यहाँ पे पता लग रहा है कि जो टर्शियरी अमाइन है गैसियस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। ध्यान रखिए गैसियस फेज जब भी पूछेगा तो मेंशन करेगा, मेंशन अगर आपसे पूछता है सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ बताओ तो आप समझ जाना वो एक्वस फेज है, एक्वस फेज में मेंशन नहीं करेगा लेकिन गैसियस फेज में मेंशन करेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज का मतलब आप समझेंगे तो टर्शियरी सबसे ज्यादा तगड़ा बेसिक है, उसके बाद में है सेकेंडरी, उसके बाद में है प्राइमरी, ठीक है जी, और उसके बाद सबसे लास्ट में NH3। तो ये बेसिक ऑर्डर मेरा हो गया किसमें, गैसियस फेस में। अच्छा जी तो ये मैंने आपको समझा दिया रिएक्टेंट फोकस करके, अगर आप प्रोडक्ट फोकस करके देखना चाहते हो तो इसने बकायदा इसे पकड़ा तो N पर प्लस आएगा, N पर प्लस आएगा, ये इसे पकड़ेगा फिर से N पर प्लस आएगा, ये इसे पकड़ेगा तो N पर प्लस आएगा, ठीक है, ये इसे पकड़ेगा तो फिर से N पर प्लस आएगा, अच्छा अब देखेंगे प्रोडक्ट फोकस करके मैंने देखा ये सबसे फास्ट एक्सप्रेस पकड़ रहा है तो सबसे बेस ज्यादा बेसिक, उससे कम सबसे कम। अब प्रोडक्ट फोकस करके ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर इस पॉजिटिव का मतलब है 100% पॉजिटिव, इस पॉजिटिव का मतलब है 100% पॉजिटिव, इस पॉजिटिव का मतलब है 100% पॉजिटिव और इस पॉजिटिव का मतलब है 100% पॉजिटिव। यहाँ पे गलती हो गई, ये एच है। अच्छा अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इस पॉजिटिव को कोई भी मदद नहीं करेगा, कोई प्लस आई चेन नहीं है, लेकिन इस पॉजिटिव पर एक मिथाइल चेन है तो ये से 20% नेगेटिव देगा तो माइनस का 20 हो गया तो यहाँ पे प्लस का 80 बचा। अगर मैं इधर नजर डालूं तो ये भी 20 देगा और ये भी 20 देगा तो इन्होंने मिलकर माइनस 40 दे दिया तो ये प्लस का 60 बचा। इसी तरह से ये 20 देगा, ये 20 देगा, ये 20 देगा तो माइनस का 60 दे दिया तो ये प्लस का 40 बचा। तो आप देख सकते हैं ये प्लस का 80 है, ये प्लस का 100 है, ये प्लस का 40 है, प्लस का 60। तो प्लस 40 और प्लस 100 किसको न्यूट्रल, कहाँ पर ज्यादा चार्ज है, यहाँ पर ज्यादा चार्ज है तो इसको न्यूट्रल होने की जल्दी है, और अगर इसको न्यूट्रल होने की जल्दी है तो एच प्लस को जल्दी ये रिलीज करेगा भाई। तो 40% पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव है नहीं है, थोड़ा बहुत संभाल लेगा, तो यहाँ पर 100% पॉजिटिव है तो सबसे जल्दी एच प्लस ये रिलीज करेगा, उससे थोड़ा सा लेट ये करेगा क्योंकि 80% पॉजिटिव है, उससे थोड़ा सा लेट ये करेगा क्योंकि 60% पॉजिटिव है, उससे थोड़ा सा लेट ये करेगा। तो मान लीजिए सबसे जल्दी ये करेगा तो इसने 1 मिनट में रिलीज कर दिया तो ये 5 मिनट में रिलीज करेगा, ये और लेट करेगा तो 10 मिनट में रिलीज करेगा, ये 20 मिनट में रिलीज करेगा। तो यहाँ पर समझिए इसने एच प्लस को पकड़ा 1 मिनट बाद वापस करा, इसने एच प्लस को पकड़ा 20 मिनट बाद वापस करा तो इसने 1 मिनट तक एच प्लस को पकड़ के रखा, 1 मिनट तक बेसिक स्ट्रेंथ शो करी, इसने 20 मिनट तक एच प्लस को पकड़ के रखा, 20 मिनट तक बेसिक स्ट्रेंथ शो करी, इसने 1 मिनट तक बेसिक स्ट्रेंथ शो करी, इसने 20 मिनट तक शो करी, तो ज्यादा तगड़ा बेसिक कौन होगा, ये होगा क्योंकि ये ज्यादा देर तक बेसिक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि ये एक्सप्रेस पकड़ने के बाद जो आयन बनता है उसे कॉन्जुगेटेड एसिड कहते हैं, तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड है। अब कॉन्जुगेटेड एसिड पर पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी ज्यादा स्टेबल होती है, तो 40% पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा या 100%, तो जाहिर सी बात है 40% तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस इंक्रीज होने पर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए टर्शियरी ज्यादा बेसिक है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन एनएसरी इन गैसियस फेज। ध्यान रखिएगा इन गैसियस फेज ये आपको याद रखना पड़ेगा, बात क्लियर। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कहता है ओनली बेसिक स्ट्रेंथ तो आपको उसे एक्वस में लगाना है, अगर वो गैसियस में पूछेगा तो मेंशन करेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि एक्वस फेज में 3 इफेक्ट एक साथ लगेंगे, प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, हाइड्रेशन एनर्जी इफेक्ट, और तीनों को एक साथ लगा करके समझाना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए बेटर होगा कि आप फाइनल रिजल्ट याद कर लें। और दूसरी बात क्या है कि इस पर ये तीनों इफेक्ट लगा करके मैं बकायदा एक वीडियो बनाऊंगा और इस ऑर्डर को एक्सप्लेन भी करूंगा ऐसा क्यों, बकायदा वो वीडियो आराम से 30-35 मिनट की होगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तीनों इफेक्ट को लगा करके समझाना
थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी समझाऊंगा बात की है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर सीधा सीधा ऑर्डर याद करेंगे। अगर R इक्वल्स टू में मिथाइल हुआ, तो ऑर्डर ध्यान रखेंगे सेकंड ब्रोमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी, देन एनएचरी। क्यों? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हाइड्रेशन एनर्जी इफेक्ट, ये तीनों एक साथ लगे हैं। हाइड्रेशन इफेक्ट तीनों एक साथ लगे हैं। इसी तरह से अगर आर मेरा मिथाइल नहीं हुआ, इथाइल हुआ, प्रोपाइल हुआ, कुछ भी हुआ, तो 2-3-1 लगेगा सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर प्राइमरी और सबसे लास्ट में NH3। जैसे मान लीजिए मुझे इसका बेसिक ऑर्डर लगाना है, तो जब मुझे इसका बेसिक ऑर्डर लगाना है तो आप एक बात यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हैं, नाइट्रोजन की कार्बन से चेन कितनी है? एक तो ये प्राइमरी अमाइन। नाइट्रोजन की कार्बन से चेन कितनी है? दो तो ये सेकेंडरी अमाइन। नाइट्रोजन की कार्बन से चेन कितनी है? टर्शियरी अमाइन और यहाँ सिंपल NH3। तो अब कहानी क्या है कि आर मेरा क्या है? मिथाइल है। आर मेरा मिथाइल है तो मेरा बेसिस क्या ऑर्डर है? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी, देन NH3। तो सेकेंडरी कौन है? बी। तो सबसे ज्यादा बेसिक बी होगा। फिर प्राइमरी कौन है? ए। फिर ए होगा। फिर कौन होगा सबसे ज्यादा बेसिक? सी होगा। फिर कौन होगा? डी होगा। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा है और यही मेरी KB की वैल्यू लगी है। बात क्लियर? क्योंकि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB होता है। अच्छा, सेम है इधर देखेंगे आप ध्यान से, इस जगह पर अगर आप ध्यान पूर्वक समझेंगे तो कैसे करेंगे इसको आप देखिएगा। अब यहाँ पर क्या क्या ये मिथाइल है? पहले देख लीजिए, नाइट्रोजन से कार्बन की एक चेन है तो प्राइमरी, नाइट्रोजन की कार्बन से दो चेन है तो सेकेंडरी, नाइट्रोजन की कार्बन से तीन चेन है तो टर्शियरी, नाइट्रोजन कार्बन से कोई चेन नहीं। अच्छा, अगर आर मिथाइल नहीं है तो मैं देख रहा हूँ ये इथाइल है, मिथाइल नहीं है, या प्रोपाइल, प्रोटाइल, कुछ भी हो, तो ऐसे केस में 2-3-1 लगेगा, यानी कि सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद टर्शियरी होगा, उसके बाद आपका प्राइमरी होगा, सबसे लास्ट में NH3। अच्छा, ये जो मैंने बेसिसिटी का ऑर्डर लगाया है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग। कुछ बच्चों को डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिक्कत आती है, तो उनको मैं समझा देता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे याद करेंगे। जैसे मैंने कहा 1, 2, 3, 4 और 5 है, इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, तो आप लिखेंगे 5, 4, 3, 2, 1। अब जो सिंबल कैसे बनेगा ध्यान समझे, 5 और 4 में से बड़ा कौन है? 5, 4 और 3 में बड़ा कौन है? 4, 3 और 2 में बड़ा कौन है? 3, 2 और 1 में बड़ा कौन है? 1। तो ये मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा। अगर आप इंक्रीजिंग लगाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। इंक्रीजिंग का मतलब इस चिमटे से नहीं है, इंक्रीजिंग का मतलब आप सीधी गिनती लिख दीजिए। अब कहानी क्या है, इंक्रीज करना है तो अब चिमटा उस तरफ खोलेंगे जहां बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। तो ध्यान रखना इन चीजों को, डिक्रीजिंग में क्या होगा, ये चिमटे हमेशा उस तरफ लगेंगे जो स्ट्रांग बेस होगा। डिक्रीजिंग का मतलब है सबसे पहले वो जो सबसे स्ट्रांग है, इंक्रीजिंग का मतलब सबसे वीक। जैसे मान लो मुझे इंक्रीजिंग लगाना था तो सबसे वीक बेस कौन सा है इसमें? डी, फिर ए, फिर सी और फिर बी। तो जाहिर सी बात है अब मुझे इनका ऑर्डर लगाना है, तो डी से स्ट्रांग बेस ए है, ए से स्ट्रांग बी सी और सी से स्ट्रांग बी, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा है। बात क्लियर? चलिए, तो मैंने आपको बताया क्या कि अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ एक्वस फेस में करेंगे तो 2-1-3 मिथाइल केस में, और आर अगर मिथाइल नहीं होगा तो 2-3-1 ऑर्डर लगेगा। बात क्लियर? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, उसे ध्यान से समझेंगे आप लोग। चलिए बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लगाना है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है सिर्फ और कुछ मेंशन नहीं है तो एक्वस है। जब भी गैसेस में पूछेगा तो मेंशन करेगा, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में किया है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लगाना है तो सबसे पहले देखिए, नाइट्रोजन ये रहा, इसके कार्बन से कितनी चेन है? 2, तो ये सेकेंडरी हो गया। नाइट्रोजन की कार्बन से कितनी चेन है? 3, तो ये टर्शियरी हो गया। नाइट्रोजन की कार्बन से कितनी चेन है? 1, तो प्राइमरी हो गया। अच्छा, अब जरा ध्यान समझिए, एक्वस का केस है क्योंकि मेंशन नहीं करेगा तो एक्वस होगा, तो जाहिर सी बात है क्या लगाएंगे? मिथाइल तो केस है नहीं, मिथाइल केस नहीं है तो क्या लगेगा? अगर मिथाइल का केस नहीं है तो 2-3-1 लगेगा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है। तो सबसे तगड़ा बेस कौन होगा? सेकेंडरी वाला होगा, यानी कि फर्स्ट। उससे थोड़ा वीक कौन सा होगा? उससे वीक होगा कौन सा? 2-3-1 है ना, 2-3-1 है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो गया? मैंने बता दिया आपको सेकेंडरी, फिर आपका यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा, उसके बाद आपका थर्ड आ जाएगा, यानी कि प्राइमरी। प्राइमरी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? प्राइमरी ज्यादा कौन होगा? टर्शियरी, फिर होगा सेकेंडरी। तो ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया। इस तरह से इसका ऑर्डर वो पूछ रहा है, तो यहाँ नाइट्रोजन की कार्बन से एक चेन प्राइमरी, यहाँ 2 चेन टर्शियरी, यहाँ 3 चेन सेकेंडरी, सॉरी 3 चेन टर्शियरी। तो आप समझ सकते हैं कुछ मेंशन नहीं है, और मिथाइल सिर्फ एक जगह है। मिथाइल का मतलब होता है कि हर जगह मिथाइल हो। मिथाइल केस का मतलब है कि तीनों जगह मिथाइल हो। अगर एक भी जगह इथाइल आएगा तो केस लगेगा 2-2-3-1 वाला, और सभी मिथाइल होंगे तो 2-1-3 वाला। तो आप समझदार हैं यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा सबसे कम सबसे ज्यादा बेसिक कौन है आपका? सेकेंडरी।
उससे कम कौन है? टर्शियरी। उससे कम कौन है? प्राइमरी। अच्छा अब इधर वाला देखेंगे, नाइट्रोजन से 3 कार्बन चेन टर्शियरी, नाइट्रोजन से 2 कार्बन चेन तो सेकेंडरी, नाइट्रोजन से 1 कार्बन चेन तो प्राइमरी, और साथ में मेंशन कर दिया गैसियस। गैसियस का मतलब आप समझिए आज बेसिसिटी ने गैसियस फेस 3-2-1, क्योंकि गैसियस फेस में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यहाँ पर जो ऑर्डर लगेगा वो टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी लगेगा, यानी कि इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सबसे ज्यादा बेसिक होगा मेरा टर्शियरी, यानी कि थर्ड, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट। और अगर रीजन पूछेगा तो गैसियस फेस के पीछे जो रीजन आता है वो होता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि गैसियस फेस में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट देख लगता है। और इस ऑर्डर का रीजन क्या है? इस ऑर्डर का रीजन है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट कोमा हाइड्रेशन इफेक्ट कोमा स्टेरिक हिंड्रेंस। बात क्लियर ये होगा। अच्छा आइए अब इसके बारे में बात करेंगे, इसका भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लगाना है, तो कुछ मेंशन नहीं किया है तो एक्वस में ही देखेंगे। अब एक्वस में देखेंगे तो आप समझदार हैं, यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, इस नाइट्रोजन को अगर मैं देखूँ तो इसकी कार्बन से सिर्फ 1 चेन है तो प्राइमरी, इस नाइट्रोजन की कार्बन से 3 चेन है तो टर्शियरी, इस नाइट्रोजन की कार्बन से 2 चेन है तो सेकेंडरी। तो जाहिर सी बात है मिथाइल केस तो ये है नहीं, तो मुझे बेसिसिटी ऑर्डर लगाना है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये सेकेंड केस हो गया, क्योंकि मिथाइल केस है नहीं एक्वस है, तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी, तो यानी कि सबसे ज्यादा होगा सी, उससे कम कौन सा होगा? उससे कम मेरा होगा यहाँ पर बी, और सबसे कम होगा ए। अब इधर देखो ध्यान से, ये मिथाइल केस दे दिया जानबूझ के और कुछ भी मेंशन नहीं किया है, सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है, तो इसका मतलब क्या है? अब मिथाइल केस है, मिथाइल दोनों मिथाइल तीनों मिथाइल तो 2-1-3 लगेगा, तो यहाँ पर 1 मिथाइल लग रहा है नाइट्रोजन प्राइमरी, यहाँ 2 चेन तो सेकेंडरी, यहाँ 3 चेन तो टर्शियरी, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? बी होगा, उससे कम कौन होगा? उससे कम कौन होगा? प्राइमरी होगा यानी कि ए, तो सबसे कम कौन होगा? सी, क्योंकि यहाँ पर 2-1-3 लगेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, और अगर इसका रीजन पूछेगा तो इसका रीजन है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट कोमा हाइड्रेशन इफेक्ट कोमा स्टेरिक हिंड्रेंस। बात क्लियर। और गैसियस फेस का जो रीजन पूछेगा सिर्फ क्या है? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि गैसियस फेस में सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लगता है। एक्वस फेस में क्या होगा? पानी में जाएगा तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगेगी और हाइड्रेशन इफेक्ट भी लगेगा, लेकिन गैसियस में मॉलिक्यूल दूर दूर है तो स्टेरिक हिंड्रेंस है नहीं, पानी में नहीं है, गैस में, तो हाइड्रेशन भी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ लगेगा प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट के बेस पर ही हमारा क्या है गैसियस फेस में लग जाता है, एक्वस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड एसिड, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली केबी इनवर्सली पीकेबी, बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेस 3-2-1-NH3, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेस केस 1 आर इक्वल्स टू मिथाइल 2-1-3, और बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेस केस 2 आर नॉट इक्वल्स टू मिथाइल 2-3-1। तो ये मैंने आपको समझाया, अब मैं आपको आगे कुछ और केसेस समझाऊंगा। चलिए बच्चों अब आपके सामने दो एक क्वेश्चन और हैं। अब देखिए ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से समझेंगे कि मेरा जो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये sp3 नाइट्रोजन है, और ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 नाइट्रोजन है, और ये जो नाइट्रोजन है ये sp नाइट्रोजन है। और सबको एक बात पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन sp वो ज्यादा है नाइट्रोजन sp2 से, और वो ज्यादा होगी आपकी किससे बता? नाइट्रोजन sp3 से। अब मैं आपको बताता हूं, देखते हैं h+ कौन जल्दी पकड़ेगा, जो जल्दी h+ पकड़ेगा वो ही तगड़ा बेस होगा। अब आपको अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन sp2 देन sp3, ये बात पी ब्लॉक बेसिक के अंदर ही बताई जा चुकी है कि ग्रेटर द s करेक्टर ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कंपोनेंट। तो सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पर इसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी कम है, इसकी कम है, तो नाइट्रोजन sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका लोन पेयर होल्ड ऑफ न्यूक्लियस होना लोन पेयर ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का लोन पेयर पर होल्ड ज्यादा तगड़ा होता है, और ज्यादा तगड़ा होता है तो वो डोनेशन लेट करता है। तो सिंपल सीधी बात है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, सिंपल सीधी बात है जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मैं लिख देता हूँ ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम होल ऑफ न्यूक्लियस ऑन अ लोन पेयर क्या होगा? ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द नाइट्रोजन एटम ग्रेटर द जगह कम है यहां से लिखना शुरू करेंगे ग्रेटर द
ग्रेटर द होल्ड, होल्ड है ये होल्ड जगह कम है, ग्रेटर द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन अ लोन पेयर, और जितना ज़्यादा होल्ड होगा लोन पेयर पे उतनी देर में देगा, उतनी देर में देगा तो उतनी देर में एच प्लस पकड़ेगा, तो सबसे देर में एच प्लस कौन पकड़ेगा, ये पकड़ेगा, उससे जल्दी ये पकड़ेगा, उससे जल्दी ये पकड़ेगा, तो नाइट्रोजन sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, नाइट्रोजन sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण उसका होल्ड ऑफ न्यूक्लियस लोन पेयर पे ज़्यादा होगा, टाइटली पकड़ के रखेगा, तो डोनेशन देर में होगी। मान लीजिए इसने डोनेशन कर दी, मान लीजिए इसने डोनेशन कर दी 15 मिनट में, तो ये थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डोनेशन थोड़ी जल्दी कर देगा, मान लीजिए 13 मिनट में, ये और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो और जल्दी कर देगा 10 मिनट में, तो जल्दी एच प्लस कौन पकड़ रहा है, ए, तो ए स्ट्रॉन्गर बेस होगा, देन बी, देन सी, ये ऑर्डर डिक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग में ए ज्यादा होगा, देन बी, देन सी, बात क्लियर। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ नाइट्रोजन, ग्रेटर द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन अ लोन पेयर ऑफ अ नाइट्रोजन एटम, और क्या होगा, लेसर द बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो आप समझ गए होंगे क्या करना है, बात क्लियर। अच्छा, अब अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं तो ये वाला जो मेरा नाइट्रोजन है, आप ध्यान पूर्वक समझेंगे, ये नाइट्रोजन मेरा sp2 है, ले लीजिए एक दो, दो सिग्मा एक लोन पेयर, तो दो प्लस एक कितना आया, तीन, तो ये जो मेरा नाइट्रोजन है ये मेरा sp2 है, ठीक। अच्छा, अब मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं तो इस नाइट्रोजन पर भी आप नजर डालेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये लोन पेयर सिंगल डबल, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, लेकिन ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, और ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में है। अब जरा ध्यान समझेंगे, अच्छा ये वाला नाइट्रोजन भी मेरा sp2 है, अब एक बात ध्यान समझेंगे, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है और ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी नहीं है, अब मुझे देखना है एच प्लस को कौन जल्दी पकड़ेगा, जो जल्दी पकड़ेगा वो तगड़ा बेस। अब आप खुद एक दिमाग लगा सकते हैं इस जगह पर, देखो मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बराबर से कोई बच्चा बार बार कहे सर ये बताओ, ये डाउट बताओ, ये डाउट बताओ, ये डाउट बताओ, तो क्या मैं ढंग से लेक्चर ले पाऊंगा, नहीं, तो ये लोन पेयर ऑलरेडी, इस लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज है, यानी कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है, और जब ये लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है तो इस एक्सप्रेस पे इसका ध्यान कम जाएगा, जबकि ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी नहीं है, तो कौन एक्सप्रेस जल्दी पकड़ेगा, तो ये बिजी है थोड़ा लेट करेगा और ये जल्दी पकड़ेगा, तो इसका मतलब ए जो होगा वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा बी से, तो आपसे पूछ लेगा, ध्यान समझिएगा, जिसका लोन पे रेजोनेंस में बिजी होगा वो सबसे कम बेसिक होगा, जिसका लोन पे रेजोनेंस में बिजी होगा वो सबसे कम बेसिक होगा, क्योंकि वो इतना अच्छा फोकस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एक बात आपको मैंने समझा दी है, उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि अगर किसी का लोन पे रेजोनेंस में बिजी है और किसी का बिजी नहीं है, तो जिसका बिजी नहीं है वो ज़्यादा बेसिक होगा।